तो आज हम आपको ले आए हैं जिन्यारी माता मंदिर हमीरपुर में। जय माता दी। जिन्यारी माता का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जाता है और यह पांडवों द्वारा निर्मित है ऐसा कहा जाता है। आइए अब आपको मंदिर में लिए चलते हैं। यहाँ से जो है ये जिन्यारी माता मंदिर का जो है मुख्य मंदिर है। यहाँ अंदर माता रानी की प्राचीन मूर्ति जो विद्यमान है। मंदिर के साथ लगते बरामदे में माता रानी का शयन कक्ष है। यहाँ पर माता रानी की मूर्ति विद्यमान है। ये देख सकते हैं आप जिन्यारी माता रानी की प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। पूरे वर्ष भर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। हाल ही में मंदिर का जो है जीर्णोद्वार हुआ है, देख सकते हैं आपको साइड में भी रेलिंग लग रही है और काफी सारे विकास कार्य यहाँ इस मंदिर में हो रहे हैं। जिन्यारी माता मंदिर में स्थित अन्य मंदिरों में एक शिवलिंग भी यहाँ पे स्थापित है, देख सकते हैं आप, और साथ में भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। यहाँ पर हनुमान जी और काल भैरव का मंदिर स्थित है। मंदिर के प्रांगण में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है, देख सकते हैं आप। मंदिर के अंदर एक हवन कुंड भी है, यहाँ पर आप हवन इत्यादि की विधि को पूरा कर सकते हैं। मंदिर में श्राय भवन भी है और साथ ही यहाँ पर शनि महाराज की मूर्ति भी स्थापित है। ये देख सकते हैं आप मंदिर के अंदर एक रसोई घर भी है जहाँ पर समय समय पर भंडारों और अन्य धार्मिक समारोहों का आयोजन किया जाता है। ये देख सकते हैं आप मंदिर में काफ़ी बड़ा विशाल बरामदा बनाया गया है। यहाँ पर हर साल जो भागवत का आयोजन किया जाता है। ये देख सकते हैं आप मंदिर की दीवारें काफ़ी प्राचीन है और इनको दोबारा जो है रेनोवेट किया जा रहा है। मंदिर के बाहर हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष भी है जिसे यहाँ के पुजारियों द्वारा 500 साल से भी ऊपर का बताया जा रहा है। तो ये है हमीरपुर स्थित जिन्यारी माता का मंदिर। जरूर विजिट करें और परिवार सहित जो है इस मंदिर में जरूर माथा टेकने आएँ। तो इसी तरह के शॉर्ट वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करें। नाम है सुनील कुमार सांडिल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय माता जिन्यारी देवी, जय माता दी।